इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बंगाल से। बंगाल हिंसा केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल हिंसा के मामले में सीबीआई ने 9 मामले दर्ज किए हैं और हिंसा की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया है और केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम बंगाल में हिंसा वाली जगहों पर जाकर जांच कर रही है। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की 4 टीमें इस काम में लगी हुई हैं और इस जांच टीम में 25 अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई अपने साथ फॉरेंसिक टीम को भी लेकर गई है क्योंकि काफी अरसा हो चुका है हर एक घटना को हुए, तो ऐसे में फॉरेंसिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बात करेंगे संवाददाता अभय पराशर से। अभय, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, फॉरेंसिक टीम लेके गए हैं, तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि जो इतना लंबा वक्त गुजर गया है, इसे में जो एविडेंस होते हैं उसको वापस लाना या फिर उनको इकट्ठा करना बेहद मुश्किल काम होगा, लेकिन मुश्किल बड़ी है बंगाल सरकार के लिए। देखिए, बिल्कुल बंगाल सरकार के लिए मुश्किल बड़ी है क्योंकि फॉरेंसिक टीम को ले जाने का मतलब ये है कि जितने सबूत, हालांकि अगर वहां पर सबूतों को निकालने में दिक्कत होगी, लेकिन फॉरेंसिक टीम जो है उन सबूतों को रिट्रीव करने में माहिर होती है। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई थी, जिसमें मर्डर के हत्या के मुकदमे थे, हत्या की कोशिश के मुकदमे, रेप के मुकदमे, जिस तरह की वहां से बहुत दर्दनाक तस्वीरें सामने आती थी, उसके बाद सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के कई ऑफिसर जो है वो इस वक्त बंगाल में मौजूद है अपनी टीम के साथ। 25 से ज्यादा ऑफिसर है जहां पर, साथ में फॉरेंसिक टीम भी वहां पर है। सीबीआई के सूत्रों से खबर यह है, अमित, की 9 मुकदमे अब सीबीआई ने दर्ज किए हैं। इस ये जो 9 मुकदमे हैं, इनमें हत्या की कोशिश, रेप जैसे मुकदमे हैं जो वहां पर हिंसा हुई थी, ये 9 मुकदमे अब सीबीआई ने दर्ज कर लिए हैं। और इन्हीं जो ये जो केस दर्ज किए हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम पहले से ही बंगाल पहुंच चुकी है और जितने वहां पर चश्मदीद हैं उन सबके बयान नए तरीके से लिए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि जिसने भी ये हिंसा वहां पर की है या फिर जो भी दोषी है उन्हें सीबीआई पूरी तरीके से उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे। और सीबीआई ने ये जो एक्टिविटी है वो शुरू कर दी है, 9 मामले अभी दर्ज हुए। सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ और मामले भी सीबीआई दर्ज कर सकती है और जो चश्मदीद है उनके बयान लेने का सिलसिला सबकी नजर रहेगी कि आखिरकार बंगाल में जो हिंसा की तस्वीरें हमने देखी थी, आखिरकार उसके गुनाहगार कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।